खरगोन पुलिस को फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बार पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो योजनाबद्ध तरीके से वाहनों को रोक कर लूटते थे। दरअसल बलवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गत दिनों अज्ञात बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी का वाहन रोक कर उससे लाखों की लूट करके मारपीट की थी। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में गंभीरता से लिया और मुखबिरी के आधार पर अगली घटना को अंजाम देने की कवायद करने से पहले ही धर दबोचा। इस दौरान दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शेष आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया इन लोगों से 10 किलो चांदी और 50 ग्राम सोना जब्त करके पूछताछ जारी है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। साबित प्रकार के लोग जो है जिनके बारे में जानकारी मिली कि वो वारदात करने के उद्देश्य से एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। पुलिस ने जब उसकी तस्दीक की और उनको पूछताछ की गई तो उसमें से दो लोग थे उनको पुलिस ने पता चला कि जिनमें से अधिकांश जो हैं वो कहीं ना कहीं के पूर्व के अपराधी हैं और वो घटना करने के उद्देश्य से ये सब एकत्रित हुए थे। उसके बाद पुलिस ने जब इसमें आगे जांच पड़ताल की और पूछताछ की तो उसको पाया कि पूर्व में जो ग्राम काजू में घटना क्रम हुआ था लूट का तो उससे जो पुलिस की पूर्व में जो जांच चल रही थी तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही इन लोगों की भी पुलिस को जानकारी मिली और इससे पुलिस ने जब पूछताछ की तो उसमें जो काजू में पूर्व में सुनार था उन्हीं का जो सामान में अपना बेचने जाता था उसके साथ जो लूट हुई थी उसका पुलिस ने पर्दाफाश किया और इनमें से दो लोग जो है वो हमारी लूट से संबंधित थे और साथ में जिसको इन्होंने अपना सामान बेचा था रतलाम में जो आरोपी था उसको भी पुलिस ने राउंड अप किया और उससे जो लूट में जो मशरूका था उनका उसको बरामद उससे किया गया है। इसमें घटनाक्रम में हमने जो है 6 लोगों को आरोपी बनाया है और इसके बाद एक आरोपी जो हमारी लूट का है वो पूछ से ही बड़वानी के एक अपराध में जेल में बंद है और बाकी अन्य जो अपराधी हैं उनकी जानकारी मिल गई है और उनकी तलाश भी जारी है। वो वर्तमान में फरार है। ये हमारे यहाँ काटपुर चौकी थी बलवाड़ा थाने की, वहाँ पे एक लूट का मामला पंजीबद्ध हुआ था जिसमें कि एक सुनार के साथ उसकी जब वो मार्केट से लौट रहा था तो उसकी गाड़ी के सामने एक पिकअप अड़ा के उससे लूट कारित की गई थी और उसके साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने उसमें मामला पंजीबद्ध किया था। इसी तारतम्य में जब पुलिस खोजबीन कर रही थी तो पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठे होकर डकैती की योजना बनाने का प्लान बना रहे हैं तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ा और उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें जिन लोगों का हम पता लगाने का प्रयास कर रहे थे जिनसे हमें संदेह था कि जो हमारी लूट में शामिल हैं ऐसे 2-3 लोगों को भी हमने उसमें राउंड अप किया और उनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना को कबूल स्वीकार किया। उसके अलावा जो उन्होंने मशरूका था वो जिसको बेचना बताया था उसको जाके पुलिस ने राउंड अप किया रतलाम में जिसको बेचना बताया था और उसे पुलिस ने जो मशरूका है वो बरामद किया। करीब 10 किलो चांदी और 50 ग्राम सोना कुल कीमत करीब 15 लाख रुपये का मशरूका पुलिस ने उससे बरामद किया है। इस पूरी घटनाक्रम में पुलिस के जो आरोपी थे उनमें से 2 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप किया है। एक आरोपी ऑलरेडी बड़वानी के एक मामले में जेल में है और बाकी जो इसमें मामले में थे उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है लेकिन वो वर्तमान में फरार हैं और बहुत शीघ्र उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जितने लोगों को गिरफ्तार किया है ये काफ़ी बड़े अपराधी हैं और इनके कई वारदातें जो है अंतर्राज्यीय स्तर पर इन्होंने विभिन्न राज्यों में घटना कर रखी हैं तो एक ओवरऑल काफ़ी कड़ा एक इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस ने सभी को अरेस्ट किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।